सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपराधी होता है वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है या फिर उसके मन में डर रहता है कि एसपी साहब जिंदाबाद, तो आदमी को अपने बारे में बड़ी गलत फहमी होती है कि आप बड़े पॉपुलर हैं, बहुत बढ़िया एसपी हैं। तो मैंने हेलमेट उतार दी और जैसे ही हेलमेट उतारा तो देखा कोने से मैंने कि एक पत्थर बहुत स्पीड पे मेरी तरफ आ रहा है, ईंट, और मेरे आके सीधा यहाँ पे लगा। पुलिस वालों की नौकरी में आपको जानते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, कोई फॉलवर्क नहीं है, कोई ऐसा एसओपी नहीं कि आप यही करेंगे तो अगली बार सेम फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या था आपका वो अप्स एंड डाउन्स वाला मोमेंट? जितनी हमारी जो लड़ाई जिंदगी की हमारे मन से शुरू होती है, जिसने मन पे विजय पा लिया, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लिया, आप चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आपको एग्जाम देना हो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप का सबसे चमकीला कार्यक्रम है। चमकीला किस लिए? चमक आती है रोशनी से, रोशनी ज्ञान से, और ज्ञान किताबों से, और इसलिए इस किताब वाला कार्यक्रम को मैं सबसे चमकीला कार्यक्रम कहता हूँ। एक लंबे ब्रेक के बाद, पहले चुनाव, फिर कोविड का दूसरा दौर, हम वापस हैं एक नई किताब, एक नए लेखक के साथ। किताब जिसका शीर्षक है लाइफ इन द यूनिफॉर्म, एडवेंचर्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार। इसे जो आपको स्क्रीन पर सज्जन नजर आ रहे हैं, अमित लोढ़ा, उन्होंने लिखा है। आईपीएस है, फिलहाल बिहार में गया रेंज के आईजी हैं और बिहार काडर के ऑफिसर हैं, जाहिर सी बात है, और बीएसएफ में भी डेपुटेशन पर रहे हैं। इससे पहले भी ललन टॉप के दर्शक, जो पुराने दर्शक हैं, वो अमित लोढ़ा से मिल चुके हैं। बिहार डायरीज इनकी एक कमाल की किताब, जिस पर हमने पहले किताब वाला किया था, और अब ये दूसरी किताब है। इसे पेंगुइन पब्लिकेशन ने छापा है, 299 रुपए इसकी कीमत है। इसमें खूब सारे मजेदार चैप्टर्स हैं, जिनमें से कुछ चैप्टर्स पर हम बात करेंगे, सब पर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी किताब पढ़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में। थैंक यू सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, ये बताइए एक बात कि ये मतलब पुलिस वालों के साथ एक स्टीरियोटाइप होता है रॉबीली आवाज का, कुछ आप लोगों को वहां पे हैदराबाद वाली एकेडमी में एक्स्ट्रा कुछ करवाते हैं एक्टिविटी की एकदम आवाज बैरिटोन हैवी? देखिए, मेरी आवाज तो थोड़ी नेचुरल है, आप इसको अच्छी किस्मत माने, आई डोंट नो, या जेनेटिक्स माने, क्योंकि मेरे पिताजी की भी आवाज काफी भारी है। बट एनपीए में जो ट्रेनिंग कराते हैं, नेचुरली उसमें काफी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और रॉब केवल आवाज में नहीं, पूरी पर्सनैलिटी में आ जाता है। और हमारी जो परेड होती है, उसमें कमांड आपने सुना होगा, तो उसमें लोग बहुत जोर से अपना पूरा गला फाड़ के लंग्स की पूरी कैपेसिटी से कमांड देते हैं। और उस ट्रेनिंग का पर्पज ये होता है, जब मैं पूछता था अपने सीनियर्स से इसकी सर आप क्यों सिखा रहे हैं हमको इतना तेज चलाना, तो उनका ये कहना था कि कभी तुम्हारे सामने मॉब आ जाए 1000 जनों का, तो तुमको न केवल अपने सिपाहियों पे कमांड देना है, तुमको उस मॉब को भी कमांड देना है कि पीछे हटो या ये जगह खाली करो। तो इसीलिए इस परेड में जो जोरदार कमांड हम लोग देते हैं, वो एक तरह से ये हमको ट्रेन करते हैं कि कैसे किसी क्राइसिस में आप अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में युद्ध में आदमी हुंकार भरता था, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम लोग को युद्ध लड़ रहे हैं, बट फिर भी एक रॉबीली आवाज, दमदार आवाज होने का फायदा तो होता है। अच्छा, देखिए, आवाज का आपने और हमने जिक्र किया, 2-3 घटनाएं हैं इस किताब की, जिसमें कुछ दफा आपके assumptions गलत रहे, कुछ दफा सही, लेकिन आपको उस आवाज का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बार जब नक्सली हमला होता है, उन दिनों आप गया में पोस्टेड थे, अभी फिर से गया में हैं लंबे अरसे बाद, और जिप्सी पे बैठ के आप ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहते हैं घंटों तक, रेलवे ट्रैक रुका हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो किस्सा सुनाएं, या फिर दूसरी दफा जब बिजली के लिए प्रदर्शन हो रहा था नालंदा में, प्रदर्शन डॉक्टरों का था, आपको लग रहा था शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हजारों की भीड़ आ गई और आपको और मुत्थू साहब, आपके डीएम थे, आपको फायरिंग वगैरह करनी पड़ी। और उसमें एक और मजेदार किस्सा है प्रोबेशनर का, तब भी आपकी आवाज का रोल था, तो ये जरा किससे बताइए। बता तो आपको, सबसे पहले नक्सल जो अभियान था बेगूसराय में, मैं एसपी था वहां पे, हमारी नक्सल के साथ मुठभेड़ हुई, गया मैं ऑफिस से, गया तो काफी ज्यादा नक्सल आई, इसके लिए जाना जाता है। तो बेगूसराय में जब मुठभेड़ चल रही थी हमारी, तो हमारे कुछ जवान है, वो बहादुरी बोलिए या बेवकूफी बोलिए, वो अपने साथियों को बचाने के लिए उठकर चलने लगे। गोलियां चल रही है सामने से, बट उनको लगा कि मेरा साथी सामने गंभीर घायल पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, उसको उठाना जरूरी है। और क्योंकि मैं उस फोर्स को लीड कर रहा था, पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं खड़ा होकर नहीं चला तो मेरे सिपाही सोचेंगे कि एसपी साहब कायर है, तो मैं भी खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हो, मेरे साइड से कान से जंग करते हुए गोली निकली, बहुत तेज आवाज करते हुए,
और मेरे एक सिपाही को जाके उसके पेट में वो गोली लगी। अभी तक मुझे वो वाकया याद है। और मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं ट्रेंड आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जोर से अपने सारे सिपाहियों पर चिल्लाया कि नीचे लेटो और क्रॉल करके आगे बैठो। एक बार मैं किसी को समझ में नहीं, वापस जोर से चिल्लाया तो सब लोग नीचे बैठ के क्रॉल करके वहां तक पहुंचे और वो घटना दुर्घटना होने से बची। हमने अपने जवानों को भी बचाया, 8 नक्सलाइट्स भी गिरफ्तार किए, बहुत कुछ हुआ। उसके लिए हमको गैलंट्री पुरस्कार भी मिला, बहुत सब चीजें हुई। लेकिन मुझे लग रहा कैसी बेवकूफी जो 2-3 मिनट मैंने की, जो हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकती थी। तो यही हमारी नौकरी है, आप जानते हैं, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है बहादुरी और बेवकूफी के बीच में। इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन वैलर एंड फुलिशनेस। उसके बाद आप बता रहे थे कि नालंदा में ऐसा हुआ। नालंदा में बिजली की, उस समय बिहार में बहुत बिजली की कमी रहती थी। आज का बिहार और उस वक्त का बिहार में दिन रात का फर्क है। आज आप देखिए बिहार में 24 घंटे बिजली है। और वाकई में जबरदस्त काम सरकार ने किया, बिजली विभाग ने किया, पब्लिक ने किया, सभी ने किया। तो क्योंकि बिजली नहीं आती तो डॉक्टर्स ने बोला हम पावर ग्रिड का घेराव करेंगे कि हमारे को बिजली निर्बाध रूप से मिले। तो मैंने उनको समझाया भी कि पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन कंपनी, बिजली प्रोड्यूस नहीं करती और आपको इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला। बट लोगों के दिमाग में आप जानते हैं, सहन में पड़ती कोई चीज बैठ जाती है तो समझाना मुश्किल होता है। और मुझे लगा डॉक्टर्स हैं, पीसफुल लोग हैं, ज्यादातर धरना देंगे, आधे घंटे 1 घंटे बाद उठ के आ जाएंगे। बट हमारा असेसमेंट पूरा गलत निकला और थोड़ी देर में वहां पे 30,000 के करीब भीड़ हो गई। और मैं सौरभ ये बात एग्जाजरेट नहीं कर रहा, आप नालंदा पता लगा लें, गूगल वगैरह पे भी देख लेंगे अब ये घटना। मुझे भी जब किसी ने बोला सर 30,000 की भीड़ हो गई, मुझे लगा मजाक हो रहा है। बट मैं वहां पे गया पूरे दल बदल के साथ और जब देखा इतनी जबरदस्त भीड़, लेकिन उसका आक्रोश पूरा बिजली विभाग के ग्रुप था। और जाते ही उन्होंने बोला कि एसपी साहब जिंदाबाद। तो आदमी को अपने बड़े में बड़ी गलत फहमी होती है कि आप बड़े पॉपुलर हैं, बहुत बढ़िया एसपी हैं। तो ना मैंने हेलमेट उतार दिया, मुझे लगा वैसे भी पुलिस के विरुद्ध तो कोई प्रदर्शन हो नहीं रहा है, मैं जनता से बात करता हूँ। और जैसे ही हेलमेट उतारा तो देखा कोने से मैंने कि एक पत्थर बहुत स्पीड पे मेरी तरफ आ रहा है, ईंट, और मेरे आंखें सीधा यहाँ पे लगा। 2-3 इंच ऊपर लगता है, 2-3 इंच नीचे लगता है, पर काफी बात कुछ और होती। मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन जैसे मैं नीचे झुका और 2-3 मिनट बिल्कुल मेरे होश चले गए, ब्लैकआउट टाइप में हो गया। तो नेचुरली मेरे बॉडी गार्ड्स ने मेरे को डिफेंड करने के लिए हवा में गोलियां बरसानी शुरू की। और जब हवा में गोली चलानी शुरू की तो जो जनता थी वो और उग्र हो गई और एजिटेटेड हो गई। और जब तक मुझे 2 मिनट बाद थोड़ा होश आया, मैंने देखा जनता पे जमकर पथराव कर रही। तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि हथियार नीचे रखो, गोलीबारी बंद करो। क्योंकि दो चीजें, एक तो आप नहीं चाहते कि कैसा भी प्रोटेस्ट हो, आप नहीं चाहते कि आप सिविलियंस के ऊपर गोली चलाए और उनको आप मतलब घायल करें या उनके अगेंस्ट वायलेंस करें। आपको संयम रखना ही पड़ता है एज अ पुलिस ऑफिसर। इट्स नॉट कि कोई सीमा पर, कोई बॉर्डर पर दुश्मन उसको सीधा गोली मार दी और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने लोग हैं, अपने देश की जनता है, अपने शहर की जनता, यू हैव टू बी पेशेंट। उसमें पेशेंस रखनी थी। और साथ में गोली अगर हम चलाते तो वो बात बहुत आगे बढ़ जाती। एक दो जने मरते तो आप समझ लें 30,000 लोग सामने थे, हम भी लिंच हो सकते थे। उस वक्त मुझे जो सही लगा, मैंने यही बोला कि हथियार नीचे करो और मैं अभी भी जनता से बात करूंगा। तो उस भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, उस वक्त भी बॉडीगार्ड से मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे याद है सब, मैं तो एवरेज कदकाठी का आदमी, मेरे सब बॉडीगार्ड 6 फुट 2 इंच, 6 फुट प्लस टाइप आदमी थे। सबको मुझे चिल्ला चिल्ला कर उनको पकड़ पकड़ के राइफल नीचे करानी पड़ी भीड़ के अंदर की, राइफल नीचे करो। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड जो मेरा बड़ा लॉयल था, रितेश, मुझे याद है मेरे पीछे से बोला कि एसपी साहब पगला गए हैं, मरवाएंगे सबको। तो मैंने कहा रितेश जो मेरे को ठीक लग रहा है मुझे करने, तो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तुम एसपी ने, तुम नीचे करो हथियार। और किस्मत हमारी थी सौरभ कि हमने हथियार नीचे किया, पब्लिक को मैंने इशारा किया हाथ से कि शांति रखिए, हमने हथियार नीचे कर दिए हैं। वही पब्लिक पता नहीं कैसे 5 मिनट बाद बिल्कुल शांत हो गए और कुछ लड़के बिल्कुल, भी हाँ आपको परिचित नजर आ गए जिनसे आप नाम लेके बात करने लगे यस, उनमें से कई कि लड़के थे जो मैंने, क्योंकि वहां पे एक चला रखा था पुलिस पब्लिक कम्युनिटी प्रोग्राम जिसमें मैं युवाओं को काफी अपने साथ इन्वॉल्व कर रखा था, उसका नाम मैंने संभव दे रखा था। तो लड़के काफी थे उनको मैं नाम से जानता था, यंग लड़के थे, 23-24 साल के। उनको मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, रवि किसी का नाम, मुझे याद है अभी तक रवि था, एक का नाम अभिषेक था, अभिषेक क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उनको बड़ी ग्लानी हुई कि एसपी साहब हमको हमारे नाम से बोल रहे हैं और डांट रहे हैं। और मैंने प्यार से एज अ बड़े भाई की तरह मैं डांट रहा था, ये नहीं बोला था कि तुमको जेल भेजूंगा, तुमको ये करूंगा। तो उनको रियलाइज हुआ कि हम गलत कर रहे हैं और सब अपने पत्थर वत्थर जो भी उनके हाथ में थे उन्होंने सबको नीचे फेंका, आगे बढ़े। और उसके बाद मैंने पूरा उनको जीप, मुझे याद है जिप्सी की बोनेट पर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने भाषण दिया है कि ये कोई तरीका नहीं है लोकतांत्रिक का, मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस को इख्तियार करें। एक जो ज्ञानवर्धक सा भाषण होता ये है दो तीन बुद्ध मिनट और का, महावीर की धरती है। हाँ,
सारी चीजें बोली, और एसपी को आप जानते हैं पॉलिटिशियन भी बनना पड़ता है, एसपी को सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ती है। पुलिस वालों की नौकरी में आपको जानते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, कोई फॉलवर्क नहीं है, कोई ऐसा एसओपी नहीं कि आप यही करेंगे तो अगली बार सेम फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जैसा आप बता रहे हैं उसके पूर्णिया की बात जो बता रहे थे आप लास्ट में, पूर्णिया में वो अलग मामला था, फिर से हम पे इस बार पथरा हुआ, पब्लिक ने पथराव किया, बट इस बार खाना भी हमको जला दिया था। थाना जलाया, लेकिन उस बार हमको लगा मुझे और डीएम को कि हम गिर गए हैं और हम लोग लिंच हो जाएंगे, तीन तरफ से पब्लिक ने घेरा हुआ था हमको, तो इस बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गोली चलाई पब्लिक पर, उस पर भी मैं चलाया लेकिन पब्लिक ने तब मेरी बात नहीं सुनी। तो ये जो सो कॉल्ड भारी आवाज है, कभी सक्सेसफुल हुई कभी नहीं भी हुई, तो जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से आपने अपना रिस्पॉन्स दिया, एंड एंड ऑफ इट आपको थोड़ा खुशकिस्मत भी होना पड़ता है। हमारी खुशकिस्मती थी हर बार कि हम लोग सही सलामत निकल आए और कोई मेजर लॉन और प्रॉब्लम नहीं, और पब्लिक भी कोई भी घायल नहीं हुई, हताहत नहीं हुई। एक होता है कि आपकी गोलीबारी में पब्लिक मारी गई, ऐसा भी कभी नहीं हुआ, तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है। अभी जब आप ये घटनाएं बता रहे थे, तो एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे आप बहुत अलग अलग सेक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें से कई के आपने किस्से लिखे हैं। एक ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार का किस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मैं खुद पत्रकार बिरादरी से आता हूँ, और जिस तरह अच्छे और बुरे पुलिस वाले होते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे सब तरह के पत्रकार होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो किस्सा बताएं दर्शकों को कि वो कप्तान साहब से क्या चाहते थे उगाही करने वाले माफिया पत्रकार, और फिर कप्तान साहब ने उनको कैसे ठीक किया। देखिए, मेरे पत्रकारों से बहुत अच्छे संबंध है, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप पत्रकार हैं और पत्रकारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो पत्रकार अगर नहीं होंगे और हमारी गलतियां नहीं निकालेंगे तो हम लोग तो सब अपने आप को समझेंगे कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। तो जो क्राइम होता है तो बिल्कुल पत्रकारों का ये दायित्व बनता है कि आप लिखें कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। हाँ जी, लेकिन पत्रकार महाशय थे नालंदा के अंदर जो बिल्कुल बेस रिपेयर में, जिसका कोई आप देख रहे हैं कोर्ट केस हो रहा है, कंप्लेन केस हो रहा है, सबको पता है कि नकली केस है, फर्जी केस है, फिर भी उसको फ्रंट पेज न्यूज बना बना के, मतलब पुलिस का मनोबल तोड़ना और जनता में भय का वातावरण तैयार करने की उनकी पूरी वो थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, और लकीली वो बहुत ही साधारण सा अखबार था उनका जिसको कोई नहीं पढ़ता था, बट मन में बड़ा बुरा लगता था। तब यंग एसपी था, फर्स्ट पोस्टिंग थी, आज कोई ऐसा करेगा तो आई विल प्रोबली इग्नोर एमपी, ठीक है भाड़ में जाए, लेकिन उस वक्त मुझे बड़ा सेंसिटिव था मैं कि अरे ये कैसे हमारे पुलिस के बारे में इतना नेगेटिव लिख रहा है। तो बाद में हमको पता चला कि वो बस एक दिन मुझे बोला कि एसपी साहब आप हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, कुछ आप हमारा ख्याल रखें तो हम आपका ख्याल रखें। तो बड़ी अजीब अजीब सी उसकी डिमांड्स होती थी कि पहले भी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा ऑब्वियसली ये चीज़ आप मुझसे उम्मीद मत करिए, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, आप अपना काम करें मैं अपना काम करता हूँ। और उस पत्रकार का धीरे धीरे मनोबल बढ़ गया, और उसने जब देखा कि वो पुलिस को ही दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आदमी कई बार आप कहते हैं ना बहुत ज्यादा अपने महत्वाकांक्षी हो जाता है, उसने वहां कुछ जो ठेकेदार थे, जेन्युइन अच्छे ठेकेदार थे, उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप मुझे मंथली इतना नहीं देंगे तो आपके बारे में अखबार में लिखूंगा, ये करूंगा, आपका काम रखवा दूंगा। तो उन सब लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे पत्रकार हमसे एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो हमने प्रॉपर उनका बयान लिया, सब कुछ उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, प्रॉपर धाराओं में एफआईआर दर्ज की और फिर कोर्ट से वारंट लिया, उसके बाद हमने उसको गिरफ्तार किया। तो इतना आसान ऑब्वियसली नहीं था, जिलाध्यक्ष महोदय भी पहुंच गए थे। हाँ काफी लोग उसमें थे, उसमें मतलब कई लोगों को जो उसके सपोर्टर्स थे उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिक्स ही बहुत लेवल पे होती है, पुलिस के विरुद्ध तो समाज के कई लोग होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। बट मुझे बहुत गर्व है कि मेरे जितने पुलिसकर्मी थे, मेरे इंस्पेक्टर्स, मेरे डीएसपी, मेरे जो थानाधारी जो गए थे, बिल्कुल उन्होंने ड्यूटी निभाई, अपनी जगह से अडिग रहे वो। मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि सबको पता था कि मैं सही कर रहा हूँ, और बिल्कुल जो उसमें सही डिसीजन था वही हुआ, और उसको गिरफ्तार करके फिर जेल भेजा गया। उसके बाद शुरू में जो बाकी पत्रकार थे उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसे तो भाई पुलिस ने हम इस पे कार्रवाई की तो ये बहुत गलत है, बट जब हमने उनको पूरी एविडेंस दिखाई तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, और मेरे आज भी पत्रकारों के साथ बहुत ही मधुर संबंध है, बहुत बढ़िया है। बट बीच में आपने बताया कि ऐसे लोग बीच बीच में आते हैं तो उसका इलाज हाँ, भी होता है। इसीलिए हाँ, मैंने स्पेसिफिकली कहा कि उसका इलाज भी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे मेरे एक थाना पारी थी उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने बोला सर पेशेंस रखिए, मौका सबको मिलता है। बड़ा फिल्मी डायलॉग था ये, जैसे सत्या फिल्म अगर आपने देखी होगी उसमें वो बोलता है कि सर, वो बोलता है सत्या कि मौका सबको मिलता है, तो बोला कि उतावले हो कि आप कोई ऐसा काम ना करें, इसको पर्सनल मत ले कि आपके ऊपर वो अखबार में छाप रहा है तो आप पर्सनली लेके, कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम लोग उसको पर्सनल ले लेते हैं। तो मैंने उसको पर्सनली लिया, मुझे बुरा बहुत लगा, मेरी वाइफ ने बेस्ट काम किया, उसने तो अखबार ही बंद करा दी, बोला अभी पढ़ना ही बंद कर दो तो आपका आधा इलाज वैसे ही हो जाएगा, आप पढ़ोगे उतना ही आप रिएक्ट करोगे, तो उसको मैंने पढ़ना बंद कर दिया।
और बाद में जो जेन्युइन केस हुआ, प्रॉपर एक्सटॉर्शन का केस हुआ जिसको माननीय न्यायालय ने भी माना, वो जेल में भी रहा, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से फिर हुआ। अच्छा, उसको न्याय मिल गया मतलब हर तरीके से। एक इस किताब को लाइफ इन द यूनिफॉर्म को पढ़ते हुए एनेक्डोट्स तो हम पुलिस वालों के और भी सुनते हैं, आपके भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने जो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से पहले के कुछ किस्से लिखे हैं मतलब वो बड़े रोचक हैं। लोढ़ा तेरा क्या होगा, वो हॉस्टल का डिस्कशन, फिर यतीश के साथ आपकी जो बात हुई पॉलिसी बाजार वाले, मतलब वो जो आपका एक अपना रेनेसा मूवमेंट मूवमेंट था। तो एक हम लोग कहते हैं हाँ यार आईआईटी वाले आते हैं, यूपीएससी की सीटें भर लेते हैं, पर उनके लिए भी आसान नहीं होता होगा, आई एम श्योर उनको भी पढ़ना ही पड़ता है, उनके लिए भी वही सिलेबस होता है। क्या था आपका वो अप्स एंड डाउन्स वाला मूवमेंट? सौरभ, मैंने लास्ट टाइम भी ललन टॉप पे ये बात बताई थी और मैं अभी भी देश के खासकर युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कभी भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए और किसी और के सपने नहीं जीने चाहिए। तो मैं आईआईटी में चला गया क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। मैंने स्कूल में देखा हर जना तैयारी कर रहा है आईआईटी की, क्लास 11 12th में आप जानते हैं सब लोग फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो मेरे पे कोई प्रेशर मेरे माँ बाप का नहीं था, मैं पूरा उनको क्रेडिट दूंगा, लेकिन प्रेशर जनरली था कि अरे सारे लोग दे रहे हैं तो मेरे को भी देना चाहिए। कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होती है कि मैं मेरे से तो ये तो मेरे से खरा में पढ़ाई, मैं अगर ये तैयारी करे तो मेरा तो इसमें आराम से एग्जाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि मैं ऑब्वियसली फिजिक्स मैथ्स में अच्छा था बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा ह्यूमैनिटीज में था। बट क्योंकि मेरे को ईगो आ गया, जो भी आप बोलिए, उस वक्त जो बचपना था, मैंने वो एग्जाम दिया आईआईटी का और मैं उसमें पास हो गया। जब मैं आईआईटी पहुंचा तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो पढ़ाई है ये बिल्कुल मेरे मन माफिक नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा। इंजीनियरिंग बड़ा बोरिंग सा मुझे लगा, बहुत ही रूखा सा लगा, और साथ ही साथ मैंने वहां देखा वहां इतने जीनियसेस हैं, इंडिया में आप जानते हैं कोई कमी है होशियार लोगों की, हर जगह जाइए तो आप 90% प्लस वाले लोग हैं, और तो मुझे बड़े कॉम्प्लेक्सेस होने लगे और मैं बहुत नेगेटिव हो गया, हीन भावना मुझ में जागृत हो गई और मैं पढ़ाई में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस करने लगा। मेरा जो ग्रेड्स है बहुत खराब आने लगी आईआईटी के अंदर, और वो जो परफॉर्मेंस थी उसका रिफ्लेक्शन बाकी चीजों पे भी होने लगा। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा, मैं स्पोर्ट्स भी जैसे कोई टूर्नामेंट होता था उसमें फर्स्ट राउंड में हारता था, किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था सब में मैं शुरू के राउंड में आउट हो जाता था। तो मेरा बड़ा बुरा समय था मतलब हर तरीके से, और मेरे को लगता था आई एम द बिगेस्ट लूजर इन दिस वर्ल्ड, अनलकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जितना मैं नेगेटिव सोचता था सौरभ उतने नेगेटिव ऐसा चीजें होती थी। बट यूपीएससी मेरा हमेशा का सपना था, दिस वॉज माई पैशन, मेरे को बहुत मन में था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, खासकर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। तो मुझे जब आईआईटी के बाद जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऑब्वियसली मेरे दोस्त ने बोला कि लोढ़ा तेरा क्या होगा अमित, तू पढ़ाई में इतना खराब परफॉर्मेंस आईआईटी में दे रहा है तो यूपीएससी जैसा मुश्किल एग्जाम हाउ कैन यू क्लियर दिस। बहुत ही मुश्किल सी चीज है और मतलब तेरा कॉन्सेंट्रेशन वगैरह इतना पुअर हो गया, कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है। तो मेरे को लगा ये लोग बात सही बोल रहे हैं, लेकिन तब भी बोलने से क्या होता है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मेरे दोस्त याशीष दहिया से, जो policybazaar.com की सीईओ है। वो जयपुर आए हुए थे किसी बात पे, मैं बड़ा मैंने बताया चिड़चिड़ा रहता था, डिप्रेशन है, याशीष तैयारी कर रहे थे तो आप? हाँ, मैंने कहा जो जिंदगी में हम चाहते हैं हमको कहाँ मिलता है। तो याशीष ने बोला कि नहीं अमित, जो जिंदगी में चाहते हैं वही तो हमको मिलता है। आप कहेंगे कि बहुत छोटी सी बात, एक बात ही तो बोल के गया वो, लेकिन मुझे लगा ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं दुखी रहूंगा तो दुखी मेरे पास पास आएगा, मैं नेगेटिव सोचूंगा नेगेटिव चीजें होंगी, मैं सोचूंगा कि मैं फेल होऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट मैं सोचूंगा नहीं मेरा पक्का होएगा, मेरे को अपने आप पे भरोसा है। तो मैंने उसके बाद अपना पूरा जो मेंटल लेवल है उसको चेंज किया मैंने, और एक दिन में नहीं होता, मैं नहीं कर एक दिन में चेंज हो गया, बट आई स्टार्ट बिलीविंग माई सेल्फ। मुझे पता है कि बहुत ही क्लीशेड सी बात लगेगी कि ये तो फिल्मी टाइप है, फिलोसफिकल बात कर दी, बट सच्चाई तो ये हम सभी को पता है कि जितनी हमारी जो लड़ाई जिंदगी की हमारे मन से शुरू होती है, जिसने मन पे विजय पा लिया, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लिया, आप चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आपको एग्जाम देना हो, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने आप में भरोसा नहीं तो आप क्या जाके कुछ भी करेंगे। तो मैं अपने में भरोसा नहीं लगा, मुझे लगा कि बाकी लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, जो सवाल मुझे 8 बार में आ रहा है उनको 1 बार में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं 8 बार कोशिश करूंगा। वो 8 बार कोशिश करते करते सौरभ 6 बार हुआ, 4 बार होते होते मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, और जितना मैं पॉजिटिव रहने लगा, यू नो आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग माइसेल्फ इन द यूनिफॉर्म ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, कि मैं आईपीएस बन गया हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। बट केवल सपने नहीं लेता था, नेचुरली मेहनत करता था, सिस्टमैटिक हार्डवर्क करता था, तो उसमें मेरे को काफी फायदा हुआ। और जब एग्जाम जब तक मैं आया मैं बिल्कुल कूल काम हो चुका था, बिल्कुल मेरे को भरोसा था कि इस एग्जाम को मैं निकालूंगा। तो मेरा सभी जो युवा वर्ग है खासकर को मैं यही बोलना चाहूंगा, अपने आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है।
कई बार हम लोग बहुत चीजें ढूंढते हैं, यू नो, कोई कहता है मुझे लाइफ कोच चाहिए, कोई कहता है मुझे ज्योतिषी को दिखाना है, कोई कहता है कि मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ। पढ़िए, वो सब आपकी अपनी चॉइसेस है, बट मुझे लगता है घूम फिर के सबका जवाब आपके पास आपके मन में है। ऐसी कोई बात नहीं है, नई बात जो आपको कहीं बाहर से आपको कोई ज्ञान देगा। तो अपने आप पर भरोसा रखना एक बहुत जरूरी बात है। उसकी वजह से आज सौरभ मैं जो कुछ भी हूँ, यूपीएससी तो मैंने क्लियर किया ही है, उसके बाद मेरा पूरा लाइफ का एटीट्यूड चेंज हो गया है। तो मैं आज एज एन आईजीओ पुलिस भी मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ। क्राइसिस रोज आते हैं, आप जानते पुलिस पे तो हर दूसरा फोन ही आता है कि ये गड़बड़ हो गई, वहां ये हो गया। अगर मेरे ही हाथ पांव फूल जाएंगे या मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं मेरे नीचे वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे भी टेंशन होता है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कूल हूँ, लेकिन मैं दिखाता नहीं उसको। और अपने पर भरोसा रखता हूँ कि अब जो प्रॉब्लम हो गई है, मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है, मुझे उसका आंसर निकालना है। इसीलिए सरकार ने मुझे इस पद पे लगाया है। और उसके बाद मेरे जो जूनियर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस आता है कि सर कूल है, काम है, वो भी ढंग से अपना काम करते हैं। आप सोचिए, मैं स्ट्रेस पे आ जाऊं, मैं उन पर चलने लग जाऊं, या मैं ही टेंशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, हाउ विल दे रिएक्ट, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो स्ट्रेस होता है मुझे, ऐसी बात नहीं, टेंशन नहीं होता। इवन खेलने में भी स्ट्रेस होता है, कोई गेम खेल रहा हूं मैं, मैच पॉइंट आ गया है, लेकिन अपने आप पर भरोसा भी रहता है दैट आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई कैन डू इट। ये बहुत बड़ी चीज है, कूल कम, और धीरे धीरे क्या वे ऑफ हैबिट हो जाती है सौरभ। ये हर जने को मेरा मशवरा है, सलाह कि अपने आप पर भरोसा रखिए एंड एवरीबडी कैन चेंज हिज लाइफ। मेरी खुद की लाइफ बिल्कुल बदल गई, एक फेलियर था मैं बुरी तरह से, मैं ये नहीं जानता मैं सक्सेसफुल हो नहीं हूं, लेकिन अब मैं जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं, मेरे हिसाब से चीजें हो रही है और हो जाती हैं। हाँ, आप ये सब बता रहे थे तो मुझे अमित लोढ़ा की शैतानियों के किस्से याद आ रहे थे कि देखिए अभी बहुत गंभीर और जरूरी बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक दूसरी साइड भी है जिसमें ये खुद तो आईआईटी पढ़ने गए भाई साहब, इनके छोटे भाई भी आईआईटी पढ़ने गए, घर पे उनको निकी बुलाते हैं, और निकी के चक्कर में इन्होंने एसपी बंगले में भूत भी क्रिएट कर दिया, और वो बंगला मैंने देखा है तो इसलिए मुझे वो किस्सा पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वहां जयंत की पोस्टिंग थी, पता नहीं अभी वो वहां पे है कि नहीं, तो मैं जब इलेक्शन के दौरान गया था तो आई हैव सीन दैट बंगलो, आपको लगा वो भूतिया बंगला है वैसे, वो गंडक नदी के बिल्कुल बहुत बराबर खूबसूरत बंगला है वो, बगल में गंडक नदी बिल्कुल। बहती है, हाँ, इट्स अ रियली प्रिटी साइट। ब्यूटीफुल, बट रात को सोचे बिजली चली जाए तो कैसा लगेगा। तो वो निकी को, आपके भाई को अभी भी लगता है क्या कि एसपी बंगले में भूत था? ये सच बात है सौरभ, एक तो मुझे शैतानियों का मुझे शौक है और अभी भी मैं करता हूँ बीच बीच में, मैं बहुत सीनियर अफसर हो गया, बट अच्छा, ये शैतानियों से मुझे लगता है बचपने से, जो कभी कभी सबके साथ तो नहीं कर सकते नेचुरली, बट कभी कभी करने से आपके मन का जो छोटा बच्चा वो जागृत रहता है और आप यू फील यंग एंड अलाइव। इतना भी धीर गंभीर नहीं हो जाना चाहिए कि आप बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़े हो जाए। जहां आपको कुछ मौका मिलता है हंसी मजाक करना चाहिए, और रोज रोज इतना स्ट्रेस भी नहीं होता, या स्ट्रेस कम करने के लिए आपको करना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर में जब एसपी था तो वहां पे एक किंवदंती थी कि एसपी के बंगले में किसी महिला की हत्या हो गई थी या किसी की लाश मिली पाई गई नहीं थी। नहीं ये आईजी साहब थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं किस्से को, किंवदंती ये थी कि बहुत पहले एक एसपी साहब थे, उनका एक महिला के साथ प्रसंग चल रहा था, सीन था, और वो महिला आई और उनका झगड़ा हुआ और महिला मर गई और उन्होंने उसको फांसी पर वहीं लटका दिया, और उस महिला की आत्मा अभी भी भटकती है। हाँ, ये वहां पे रूमर था, जैसे ही आप जाएंगे तो आपका स्टाफ बता देगा कि हुजूर इस कमरे में ना जाए, रात को इसमें भूत घूमता है। हुजूर यहाँ कुछ छाया है। हाँ, तो नेचुरली हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो उसे बिलीव करते नहीं है, बट मेरा भाई है, उसको हॉरर मूवीज देख के बहुत डर लगता था, और जब वो वहां पे आया तो ऐसे ही मुझे लगा कि इसके साथ ये प्रैंक होना जरूरी है। तो उस वक्त मैंने बताया, आज से 15-20 साल पहले बिहार में बिजली भी बहुत जाती थी, बारिश तो आप जानते हैं बिहार में तेज तेज होती है, तो ऐसा कुछ माहौल बना कि बिजली चलेगी, बारिश तेज तेज हो रही है, अंधेरा हो गया उस पूरे बंगले में, गंडक नदी के पास से बिल्कुल जो खूबसूरत बंगला है बिल्कुल भूतवा बंगला जैसा लगने लग गया रात को। तो उसके बाद मैंने पहले ही फैला दिया था, अपने स्टाफ को बोल दिया कि जाके भैया को रोज बोलना कि सर इस रूम में थोड़ा ध्यान रखिए, जादू मंतर हम करते रहते, वो पूजा वूजा करता था कि सर थोड़ा ध्यान रखिए, रात को भूत की आत्मा छत पर भटकती है यहाँ पर। तो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया, और जब ये लाइट गई तो उसके बाद वो बाहर आया हमको ढूंढते ढूंढते बिल्कुल पिच डार्क अंधेरे में, हमने जानबूझ के जनरेटर भी ऑन नहीं करवाया, बेचारा उस घर में इतना बड़ा घर, हमने देखा कॉरिडोर वगैरह इतने लंबे, कमरे इतने बड़े बड़े, वो ढूंढ रहा है कौन कहाँ पे। और उसी वक्त जानबूझ कर मैंने अपनी वाइफ को व्हाइट रंग के लिबास में और सब खुले बाल में हल्का सा एक लैम्प दे दिया हाथ में, और बोला तुम धीरे धीरे उधर से जाना कॉरिडोर होते हुए। और मेरी वाइफ भी थोड़ी बदमाश है, वो उसी तरह गई, तो
इसके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया कि भूत को मैंने देख लिया है। तो उसके बाद वो बिल्कुल घबरा गया बुरी तरीके से कि मतलब मेरी वाइफ ने बोला कि बहुत ज्यादा हो गया, और उस वक्त काफी यंग था, वो 18-19 साल का था मेरा भाई, मुझसे छोटा एज में वो 6-7 साल। तो बहुत घबरा गया बुरी तरीके से वो। और उसके बाद जब लाइट वाइट आई हम तो हंसे, मेरे बड़ी देर में देखा कि वो अपना गद्दा और तकिया लेके मेरे कमरे में से लाके बिछा दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, बोला आपसे मैं रात को यहीं पे सोऊंगा। बोला मैं उस रूम में नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। तो हमने कहा तुम दूसरे रूम में चलो, इतना बड़ा घर है। बोला नहीं अब तो मैं सो ही नहीं सकता। तो मेरी वाइफ ने बोला तो और करो अब ये सब अपने प्रैंक्स, हनीमून हनीमून इज ओवर। हाँ इज ओवर। तो ये सब जिंदगी के मजे हैं, करते रहने चाहिए। मैंने अकेडमी में भी किया, इस किताब में लिखा, वहां भी बदमाशियां की है, सब जगह की है। भाई साहब, अपने इंस्ट्रक्टर की मिमिक्री कौन करता है ऐसे, वो भी माइक पे जाके हैं। मिमिक्री का मुझे थोड़ा शौक है और मैं लोगों की एक्टिंग कर लेता हूँ। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उसको, जो उस वक्त ईडी ओडी थे, अतुल करवल साहब, हाँ अभी वो डायरेक्टर एनपी हैं, और उनकी पूरे देश में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। बहुत जबरदस्त वो ट्रेनर रहे हैं हमारे सबके, काइंड ऑफ रोल मॉडल, बिल्कुल फिट एंड हर तरीके से, मतलब जो आइडियल पुलिसमैन होते हैं, रोल मॉडल फिट एंड डिसिप्लिन्ड, एथिकल, जो जो चीजें क्वालिटी होनी चाहिए एक ट्रेनर के अंदर। बट हमको रगड़ते बहुत थे उस वक्त, हमको बड़ा गुस्सा आता था। आप जानते हैं कि डंडे हम को किस पे दौड़ा थे, रहे सुबह हैं। सुबह 6-7:30 बजे उठ के दौड़ा रहे हैं 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर। एक बार हमको सैटरडे संडे को ले गए जंगल के अंदर, के यहाँ पे इनको जंगल ट्रेनिंग दे रही है। तो ऑलरेडी हम लोग गुस्सा थे कि संडे को हमको ले गए, छुट्टी एक तो मिलती है पूरे सप्ताह भर में, उस दिन भी ले गए हमको। तो वहां पे एक उस्ताद थे, गलती से उनका जो था वायरलेस सिस्टम वो छोड़ के कहीं चले गए इधर उधर। तो वायरलेस सिस्टम में उन्होंने करवल साहब की पूरी आवाज निकाली, और मैंने बोला कि ये कोर्स है यहीं पे खत्म किया जाता है। सबको बस में बैठाई और ले चली वापस अकेडमी। तो उसको उस्ताद, सब उस्ताद को लगा करवल साहब ये बोल रहे हैं बात, तो सब लोग बड़े खुश हुए, जो हूटिंग होती ये करते हैं, बस पे गए। और मैं बड़ा मुस्कुराता कि गजब कर दिया मैंने। तो बस के पास जब पहुंचे देखा करवल सब मुझे देख रहे थे, और उनको पता था क्योंकि पहले भी मैं 3-4 बार उनकी एक्टिंग कर चुका था, खासकर जो हमारे यहाँ प्लेज वगैरह होते थे स्किट्स, उसमें मैं उनकी आवाज बना चुका था। उनको समझ में आ गया कि मैंने ये खेल खेला है। उन्होंने मुझे काफी फटकार लगे, काफी ज्यादा फटकार लगे, और मुझे अच्छी क्लास मिली। उसके बाद मैं समझ गया कि कहाँ पे अपने आप को सीमा खींचनी होती है। मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो चीज, देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी सैक्रोसैंक्ट, जो बहुत आप कह सकते हैं बिल्कुल इन चीजों के बाहर होती, पवित्र होती। जैसे हमारा नौकरी है, पुलिस की नौकरी में आप पुलिस के साथ काम में मजाक नहीं कर सकते। तो आई लर्न माई लेसन, और उसके बाद मैंने हमेशा, आप जानते हैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पुलिसिंग, पहले भी अपनी पर्सनल रूप से भी बात हुई है। तो दैट इज अ लेसन आई लर्न, एंड जो भी लोग काम करें, नॉट ओनली पुलिसिंग, वन शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट हिज जॉब, वो मजाक नहीं। एक चीज मैंने गौर की एंड दैट्स अ वेरी वेलकम चेंज, कि आपकी दोनों ही किताबों में आपकी पत्नी तनु का खूब जिक्र आता है, और दुनिया के तमाम पुरुषों की तरह आप ऐसे भी प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई देखो घर में तो उसकी चलती है, उसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे ये करना पड़ा। तो मैम का क्या रिएक्शन रहता है आपकी राइटिंग पे, फाइनल ड्राफ्ट वही अप्रूव करती हैं पहले कम और से यू कम वांट अस टू दुनिया, बिलीव दैट? आप कह रहे हैं दुनिया के तमाम पुरुष, तो आपकी भी फिर वही स्थिति लग रही है मुझे, इसमें I कोई देखिए refuse to comment on that. I haven't written a book, so I'll avoid that question. पत्नी तो पत्नी होती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, पत्नी पत्नी रहती है। रही बात बुक्स का, बुक्स पे वो इसलिए कमेंट नहीं करती कि आप बड़ा हंसेंगे, उसने दोनों ही बुक्स नहीं पढ़ी। बट वो Okay. कहती है कि हाँ दोनों, और उसको कोई शौक भी नहीं है, वो कह रही मुझे नहीं पढ़नी। बट वो कहती मैंने आपके साथ सारे पल जिए हैं, जब भी मैंने कोई चैप्टर्स लिखे मैंने एक्चुअली उससे पूछा है कि इसमें क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, एंड शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग वेरी विविडली। वो मेरे साथ हर वक्त रही है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये कोई मैरिज, आप जानते हैं, कोई प्लान या डिजाइन से नहीं होती है कि मेरे को ऐसी पत्नी मिलेगी जो मेरे साथ गाँव में भी रहना चाहेगी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी रहना जब चाहेगी। आप बैरो के थानाध्यक्ष थे, जी हाँ, बेड़ो थाना अध्यक्ष था मैं, 3 महीने में गांव में रहा, जहाँ ना बिजली थी ना पानी थी, सन 99 में, आप इमेजिन कर सकते हैं, 99 और 2000 में। बट स्टिल शी वॉज विथ मी देयर। तो मेरे जो एसएसपी थे, कमिश्नर साहब थे उस वक्त रांची के, बड़े सरप्राइज थे कि किसी यंग आईपीएस ऑफिसर की वाइफ गांव में जाके उसके साथ रह रही। बोले ऐसा नाम पहली बार सुन रहे हैं। जयशंकर साहब थे ना एसपी एसएसपी दोनों। हाँ, वो सब जितने भी नाम है मैंने, आप जानते हैं वो काल्पनिक नाम है, इस किताब में कोई भी असली नाम नहीं लिखा है क्योंकि वो लिख अच्छा नहीं सकते। बट सब बढ़िया लोग हैं, देवर ऑल सरप्राइज कि किसी की यंग ऑफिसर की वाइफ मतलब इतनी अनकंफर्टेबल लाइफ भी लीड करने को तैयार है। तो बोला कि मतलब तुम बहुत खुशकिस्मत हो।
और मेरी वाइफ का रोल सबसे ज्यादा ये रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्पीक हर माइंड. एक होता है कि ऑफिशियल मैटर्स में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँ, तो ऑब्वियसली दखल अंदाजी नहीं करती, बट इफ शी कम्स टू नो कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, वो वेट नहीं करेगी. वो बोलेगी कि आपने उससे इस तरह से, जैसे फोन पे सुन लिया मैं किसी को डांट रहा हूँ, तो शी विल टेल मी कि उसकी बात तो सुन लो डांटने से पहले, या बी पेशेंट या जो भी है. तो उसका रोल जबरदस्त रहा है, शायद इसलिए कि वो पुलिस, उनके पिताजी पुलिस में थे, या फिर उनका खुद का एक कोर सेट ऑफ प्रिंसिपल जैसा है कि सही गलत की उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहचान है. और वो शी डजंट मींस एनी वर्ड्स. अगर मैं कभी हवा में भी उड़ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त हो गया हूँ, बॉन्ड हो गया हूँ, तो मुझे धरती पे लाने में उनको 1-1.5 मिनट लगते हैं. तो ये बहुत जरूरी है आई थिंक सभी के लिए कि कोई एक यस बैलेंसिंग फैक्टर लाइफ में रहे, नहीं तो हम लोग सब तो बिल्कुल अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाए. एक इसमें किताब में कई मजेदार किस्से हैं। मैं चाहूंगा एक दो किस्सों पे थोड़ा सा विस्तार से बात हो। दो किडनैपिंग के केसेस हैं, एक जो किडनैपिंग नहीं थी और एक जो किडनैपिंग थी, जो सारे गामा पा वाले चैप्टर में है। मैं चाह रहा था कि आप दर्शकों को बताएं उसके बारे में। कि एक पुलिस बेगूसराय में, का और एक मेरे ख्याल से पूर्णिया का। जी हाँ, आपकी मेमोरी बहुत लाजवाब है सौरभ, वेरी वेरी शार्प मेमोरी है. तो बेगूसराय में जब एसपी था, तो वहां पे एक बार किसी विख्यात डॉक्टर के 3 बच्चे गायब हो गए, उनके 2 बच्चे और एक कंपाउंडर का एक बेटा. तो कंपाउंडर का। हाँ ऑब्वियसली डॉक्टर साहब को लगा मेरे बच्चे किडनैप हो गए, बट पुलिस को आप जानते हैं सीरियसली काम को लेते हैं. और मेरे थाना प्रभारी ने पूरा रेलवे स्टेशन वगैरह जाके पूरा कंफर्म कर लिया, रिक्शे वालों से भी बात कर ली, फोटो वोटो सब दिखा दी. रिक्शे वाला बोला सर इनको तो मैं खुद रेलवे स्टेशन छोड़ के आया हूँ. स्कूल भी उसने पूछताछ की, स्कूल के दोस्तों से पता चला कि इन बच्चों को गाने का बहुत शौक था. तब चलता था जी लिटिल चैम्प्स, एक प्रोग्राम था सारेगामा लिटिल सारे गाना चैम्प्स. पा लिटिल चांस। इन बच्चों को बहुत स्कूल में बोलते थे कि एक दिन हमको उसमें पार्ट लेना है. तो हमको बिल्कुल पुलिस का इतना एक्सपीरियंस था, हमने कहा 100% ये बॉम्बे पार्ट लेने चले गए, घर से भाग गए पैसे से लेके अपने. और 3 बच्चों को कौन किडनैप करेगा, करना होगा तो एक जो ना उसे भी उतने ही पैसे ले लेंगे. फिर रैमसम की कोई कॉल्स भी नहीं आया, यू नो 1 सप्ताह हो गया. लेकिन डॉक्टर वो अडामेंट की जो कंपाउंडर का बेटा उनके साथ गायब हुआ है, इसी ने इनको किडनैपिंग किया है. और सौरभ वो हाँ सॉरी, और पीछे पड़ गए कि कंपाउंडर को गिरफ्तार करिए. और कंपाउंडर बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, आप जानते हैं, बिल्कुल सीधा बेचारा शरीफ आदमी. उसकी वाइफ रोज आते थे कि सर हमारा कोई भी नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, बर्बाद हो जाएंगे, वैसे ही हमारा बेटा गायब हो गया, हम भी जेल चले जाएंगे, तो हमारे साथ बहुत अन्याय होगा. तो मेरे लिए बहुत आसान चीज थी कि मैं डॉक्टर्स के कहने पे उसको, क्योंकि पूरा बेगूसराय के डॉक्टर्स आके उन्होंने ज्ञापन दिया बोला उसको गिरफ्तार कर लीजिए आप. मेरे लिए एक बहुत आसान तरीका होता कि मैं उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देता, बोलता मेरा तो काम हो गया. लेकिन मैं अपनी जगह पे टिका रहा, मैंने कहा नहीं ये निर्दोष है, इसको तो मैं जेल नहीं भेजूंगा, और ये लड़के अपने मन से भागे, मैं इसको पूरी कोशिश करते हैं कि इनको हम रिकवर करेंगे. वो बड़ा मुश्किल समय था मेरा, इवन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का मुझे फोन आया उस केस के मामले में, बट मैं बिल्कुल अपनी जगह पर टिका हुआ था. और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी बात पूरी संयम से सुनी और बोला कि आपको लग रहा है जो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं कह सर 100% मेरी जिम्मेवारी है. तो ही हैड फेथ इन मी. ऐसा नहीं कि यू नो एसपी को कोई उन्होंने डांटा या धमकी, बोला ठीक है आप जो सही है करिए, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि बच्चे मिल जाए. उसके बाद हमारे एक एडिशनल डीजी साहब आए इंक्वायरी करने, मुख्यमंत्री साहब ने भेजा कि जाके तुम चेक करो कि सही बोल रहे हैं एसपी साहब की नहीं. जो एडिशनल डीजी ने भी अपनी पूछताछ की, वाज कन्विंस कि बच्चे अपने से ही भागे. लेकिन पब्लिक को आप जानते हैं, पब्लिक के दिमाग में एक बार बैठ जाओ, और अखबार में आपने, मैंने बताया कि अखबार में खूब छपने लगा, तो मेरे पुतले वुतले जले, काफी बुरा मेरा समय निकला. और लोगों ने ये तक बोला कि बच्चों को कुछ हो गया तो एसपी साहब आप तो नहीं बचेंगे. और मेरे को कुछ लोगों ने बताया भी, मेरे वेल विशेज ने, कि सर क्या दिक्कत है आप भेज दीजिए ना उसको जेल, आपका काम तो हो ही जाएगा, आप कहेंगे कि हमने तो भेज दिया. मुझसे नहीं हुआ ये काम, कभी कभी आप होते हैं आप नहीं अपनी जगह से हिलते हैं, तो पता नहीं कैसे मेरे में शक्ति है कि मैं हिला नहीं अपनी जगह से. बहुत मैंने झेला और किस्मत है, मैं तो हमेशा बोलूंगा कोई ऊपर वाला है जो मेरे पे बहुत मेहरबान रहा हमेशा. मुझे एक दिन सुबह 4 या 6 बजे फोन आया कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, मराठी एक्सेंट में 4 बजे बोला फोन आया जुहू बीच जो बीच से, कि बोला कि 3 बच्चे हैं वो मेरे पास जुहू बीच में, आपके ऐसे कोई बच्चे गायब हुए हैं, क्योंकि हमने अखबार में एडवर्टीजमेंट वगैरह भी निकाला था, मुंबई में भी हमने छपाया था. मैंने कहा हाँ, बोला वो 3ों बच्चे मेरे साथ हैं. आप सोच सकते हैं सौरभ, जो मेरे में ऊर्जा आई होगी, जो मैं कूदा भागा, मैंने तुरंत अपने टीम को भेजा बॉम्बे कि उसको लेकर आओ. और वो बच्चे आए, उन्होंने आते ही मेरे सामने बोला कि अंकल हमको बस सारेगामा लिटिल चैंप में पार्ट लेना था, इसीलिए हम अपने घर से भाग गए. फिर पूरे बेगूसराय में बहुत ही लोगों को लगा कि हमने एसपी साहब के साथ बड़े अन्याय किया, पब्लिक ने बड़ा उनको मन में बुरा लगा कि इनके पुतले उतले फूके, ये किया, तो पूरा उनका माहौल बदल गया. और आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बात ही सौरभ के माँ बाप आए, बहुत वो
कहते हैं आप इमोशनल कि सर आपकी वजह से हमारी जिंदगी मतलब जो भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं अपनी जगह पे टिका रहा और मुझे इसका फल भी मिला. कई बार होता है आप अपनी जगह पे टिकते तो हैं लेकिन आपकी किस्मत आपके साथ में नहीं होती है, कुछ अनर्थ हो जाए तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे. आई वॉज एक्सट्रीमली लकी कि अपनी मैं जगह टिका रहा. उसके साथ मजे की बात वो ये हुई कि एक तो इन लड़कों को एक्चुअली सारेगामा लिटिल चैंप से बाद में बुलाया है कि आप आकर हमारे यहाँ गाना गाइए, और उन लड़कों ने बहुत ही बेसुर और बहुत ही खराब गाया तो पहले राउंड में वो आउट हो गए. लेकिन सारेगामा लिटिल चैंप्स को बहुत मजा आया कि वहाँ तीन बच्चे हमारे चक्कर में घर से भाग गए, उनके लिए मजेदार चीज थी. लेकिन हमारे लिए तो आप सोचिए 2 महीने हमारे खराब हो गए पूरे पुलिस के. और उसके बाद बेगूसराय में और भी घटनाएं, ऐसा नहीं है केसेस हुए, जेन्युइन केसेस हुए, बट जनता को मैं बड़ा फेथ रहा. कभी भी उन्होंने अपनी पेशेंस नहीं खोई. कोई डकैती हो गई, कोई मर्डर हो गया तो हर बार बोलते थे एसपी साहब आपको टाइम देते हैं, आप आराम से इसको सॉल्व करिए केस को. तो वो जो हमारी उस वक्त हालत खराब हुई उसका बाद में हमको बहुत फायदा हुआ. लेकिन वो दूसरा जो केस था, हम तो सोचते थे कि ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक पुलिस वाले को सेक्स वर्कर की तरह पोज करना पड़ा, फिर दूसरे को, जो इसका दूसरा वाला केस था जिसमें आपको दो अपनी कांस्टेबल को इस काम के लिए लगाना पड़ा, पहले एक होमगार्ड की और फिर दूसरी, वो भी बड़ा. देखिए पुलिस की नौकरी एज आई टोल्ड यू हमको सारे काम करने पड़ते हैं, हमको भाषण भी देने पड़ते हैं, हमको कभी एक्टिंग भी करनी पड़ती है. मतलब ऐसा चीज है जो किसी बुक में आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जा सकते हैं कि इसका ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड 1 2 3 या नियम ये बोलता है. हर केस अलग है. तो पुणे में जब एसपी था तो एक बच्चा किडनैप हो गया और इस बार मैं कन्विंस था कि किडनैपिंग हो गई है, जबकि इस बार भी 7-8 दिन तक कोई फोन कॉल नहीं है रैंसम का. लेकिन जैसे एक डॉक्टर देख के बता देता कि पेशेंट को क्या बीमारी है, बीपी वो नब्ज देख के, तो हमको तो समझ में आ जाता कि जेन्युइन केस है या फर्जी केस है. मेरे को लगा 100% असली केस है, इसका किडनैपिंग हुआ है बच्चे का. लेकिन किडनैपर बहुत ही शातिर था, ना वो मोबाइल फोन यूज करता था ना उसने फोन किया. उसको पता होगा प्रोली कि पुलिस कैसे किसी को ट्रेस कर पाती है. आजकल तो काफी लोगों को बहुत चीजें पता, लेकिन आज से 10-12 साल पहले किसी को ये सब चीजें मालूम होना, मतलब वो काफी शातिर था वो अपराधी. और मैं समझ गया कि एक्सपीरियंस आदमी को, नया आदमी नहीं है, जेल वेल रह के आ चुका, उसको पूरा आइडिया कि कैसे पुलिस ट्रेस करती है. बट अल्टीमेटली किडनैपर को फोन तो करना ही था पैसे के लिए, तो उसने एक नया सिम कार्ड और नया मोबाइल सेट लेके स्पेसिफिकली इस काम के लिए उस लड़के के बाप को फोन किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए. तो वो नंबर तो मैंने, मेरे को पता चल गया क्योंकि मैं पैरेलल ऑब्जर्वेशन पे ले ही रखा था मैंने बाप के फोन को. और मैंने उस नंबर पे अपनी एक लेडी होमगार्ड को बोला तुम फोन करो, बोलो कि मैं उस तरह की महिला हूँ ये 2 नंबर की और मुझे रात को आके यहाँ पे मिलो. मैंने कहा ये पैतरा चलाकर मैं देखता हूँ, पता तो चलेगा आदमी है कौन कैसा है, बात करके तो देखें हम लोग क्या है. और अक्सर लोग ऐसे जाल में फंसते हैं, आप जानते हैं हनी ट्रैप क्या होता है. बट ये जो अपराधी था बड़ा स्मार्ट था, इसने मेरी लेडी होमगार्ड को भी काफी कस के डांट दिया कि आगे से यहाँ फोन वोन मत करना और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ. हमको लगा ये फॉर्मूला भी मेरा बेकार हो गया है. लेकिन हमारी खुशकिस्मत है कि भी उस अपराधी का कोई दोस्त था, वो ये बातें सब सुन रहा था साइड पे बैठ के. उसने देखा कि वो महिलाएं ने फोन किया और वो थोड़ा आप समझते हैं चंचल स्वभाव का था. उसने मेरी लेडी होमगार्ड को फोन कर दिया थोड़ी देर बाद कि मैं इंटरेस्टेड हूँ. थोड़ी देर रात में फोन आया क्योंकि 3 बजे आपके बेडरूम में नॉक. रात को, यस रात को 3 बजे उसने फोन किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे आके तो मिला. तो ये लेडी होमगार्ड आके मुझे बोली कि सर ऐसे ऐसे का तो फोन आया है. तो मैंने कहा इंदू, मुझे अभी तक याद है उसका नाम. मैंने कहा इंदू तुम ऐसा करो बढ़िया से तैयार करो कि कटिहार के रेलवे स्टेशन पे जाओ, अपनी पूरी पुलिस टीम को तुम्हारे साथ भेजता हूँ. तो पूरी पुलिस टीम वहां पे गई कटिहार में. हमने सोचा इसको दबोच लेंगे, बट इसने इंदू को दूर से पहचान लिया साड़ी वाड़ी के रंग से और ये बड़ा नाराज हुआ. बोला कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और तुम तो मिडिल एज महिला हो, दिस एंड दैट, सुंदर नहीं हो ये. हाँ तो मेरे को लगा कोई जवान हो ये हो. तो इंदु का मुझे फोन आया रोते रोते कि सर वो तो मुझे ही डांट रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. तो मैंने कहा कि इंदु इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो अपने को दिमाग लगा पकड़ना ही है, अपने को मिल गया ये लड़का. और उसका फोन नंबर भी हमको फिर पता चली गया था नेचुरली, उसने जिस नंबर से इंदु को फोन किया तो मैंने पता लगा ये लड़का है कौन. लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था, हमको उसको पकड़ना था क्योंकि इसकी मूवमेंट लगातार उड़ते, कभी ये पूर्णिया था कभी कटिहार था कभी इधर उधर जा रहा था. तो हमने इसको फिर ट्रैप करने के लिए फोन भी किया और बोला कि इस बार एक बहुत खूबसूरत महिला है, यंग लड़की है और तुम इसको देखो. और हमने पुलिस लाइन से नई लेडी कांस्टेबल बुलाया जो यंग सी थी, उसको पूरा समझाया. एंड आई वुड गिव क्रेडिट, अभी तक याद है पूरा उसने अपना मेकअप वेकअप किया जितना वो एक्सेस नहीं होता पूरा कि वो लगे उस तरह की लड़की है, तैयार हो कि वो पूर्णिया के बाजार में जाके बैठी हो पार्क के और पार। हाँ इस बार ये आया, इसने फिर दूर से उसको देखा तो इसने कहा ये वाली लड़की तो ठीक लग रही है.
और ये जब बात कर रहा था तो किस्मत देखिए हम उसको पकड़ तो लेती, लेकिन जब ये बात कर रहा था ठीक पीछे मेरा कांस्टेबल खड़ा हुआ था, चिप्स खा रहा था। जिसको भूख लग गई तो कुरकुरे खाने वो वहां चला गया उस दुकान पे, और वो पीछे कुरकुरे खा रहा और ये फोन पे बोल रहा था कि अच्छा वो ग्रीन साड़ी वाली लड़की, हाँ वो तो ठीक है। ये तुरंत समझ गया कि ये तो वही लड़की की है हमारे, जिसको एसपी साहब ने पकड़ने के लिए भेजा है तो वही है। वो लंबा चौड़ा सिपाही था, उसने कुरकुरे का पैकेट नीचे फेंका और तुरंत इसको दबोच लिया और लेकर हमारे पास आया। हमने इसको बिल्कुल अपना जो पुलिस से तरीके से पूछताछ की, इसने पूरा बता दिया कि लड़के को कहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद जाके हमारी पुलिस टीम ने उसको पकड़ा। तो काफी हमारे लिए जबरदस्त केस था, बहुत रोचक केस था। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बट बड़े अप्स एंड डाउन होते हैं पुलिस की नौकरी में, और आप जानते हैं कोई भी केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। और मैम सो प्राउड नॉट ओनली ऑफ माई पुलिस टीम, अभी जैसे मैं गया आया हूँ यहाँ भी मैं सुनता हूँ किसी ने किसी किडनैप हुआ, हमारी पुलिस टीम जो एसपीज होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं क्या दिमाग लगा लगा इतना बढ़िया तरीके से केसेस को सॉल्व करते हैं, पकड़ते हैं, तो इट्स वेरी क्रेडिटेबल। बाद में सुनने में बड़ा मजा आता है कि यू नो टच एंड गो था और कि ये बहुत थ्रिलिंग था, एक्साइटिंग, लेकिन जब तक वो बच्चा या कोई मिलता नहीं आप समझ सकते हैं कि कितना टेंशन रहता है आदमी की, सारी रातें गायब हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है। जब तक वो आदमी सकुशल अपने परिवार से उसको मिला ना दें तब तक पुलिस तो अपनी बिल्कुल भूल जाती है। इंटरेस्टिंग, कई ऐसे मजेदार किस्से हैं इस किताब में, जैसे कैसे एक रिक्शे वाले का किडनैप होता है और रिक्शे वाले को ट्रेस करते करते एक किडनैपर तक पहुंचते, कहते साहब हमने रिक्शे वाले को नहीं, हमने तो डॉक्टर को किडनैप किया है, अलग ही कहानी खुल रही है। एक वो भी बड़ा मजेदार था जो केनरा बैंक में 32 लाख रुपए की डकैती हुई थी। बिल्कुल, आपको सारी चीजें याद है सौरभ, मतलब बिल्कुल हुआ था, कैनरा बैंक को लूटा गया 32 लाख रुपए, एंड 32 लाख रुपए 2002 में लूट ले, इट वाज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस। आप ही तो बैठे बैठे अपनी बोरियत पे अफसोस कर रहे थे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है जिले में। मैं यू नो पुलिस की नौकरी सौरभ ऐसी, अगर बहुत कुछ होता है तो आदमी कहता कुछ ना हो, थक गए सर आपका मतलब होता है ना, क्राइम बंद हो जाए, और क्राइम जब बिल्कुल बंद हो जाए आपको लगता है करें क्या कुछ, हमारे पास कोई काम ही नहीं, क्योंकि पुलिस का काम ही क्राइम हो तो उसको सॉल्व करें जी। तो बड़ा पशोपेश में थे, मैं ऐसी मन में सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही जाता, और ऐसे मैंने सोचा मन में, और उसके आधे घंटे बाद फोन आया सर बैंक लूटा गया है। मुझे अपने आप को मैंने अपने आप पे लाना था, मैंने क्यों तो ऐसा फालतू की चीज मैंने सोची और क्यों ऐसा हो गया। और 32 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था, दिन दहाड़े कैनरा बैंक को 3-4 लोग आए आराम से लूट के चले गए, तो उसको गए हमने पूरा सॉल्व किया, बड़ा स्टाइल से सॉल्व किया। तब तो सीसीटीवी का जमाना भी नहीं था, तो टेक्निकल सर्वेलेंस भी नहीं थी, लेकिन कॉमन सेंस IQ ये सब यूज किया, जाते ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें इंसाइडर का किसी का हाथ है, क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल जो अपराधी आए थे उनको पता था कि अलार्म्स कहाँ पे छुपा रखे हैं, नौकर की दूसरी चाबी, नौकर की चाबी किसके पास है, तो उनको पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपराधी होता है वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है या फिर उसके मन में डर रहता है। तो इसमें तो मैंने लिखा ही कि उसके मन में डर था कि कहीं पुलिस पकड़ नहीं ले, तो बेस्ट पार्ट था अपराध करने के बाद वापस वो वहीं पर आ गया देखने कि पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है और उसी चक्कर में वो फंस गया, हमको पूरा चीज समझ में आ गई। तो अच्छा, ये बात बताइए, आपके कई किस्सों में मैंने देखा कि आप जो सस्पेक्ट होता है उसको सीधे मेन सवाल पे ही से ग्रिल शुरू करते हैं कि बताओ लड़का कहाँ छिपाया है, तो बताओ क्यों मारा, कभी ये बैकफायर भी किया है कि कोई सस्पेक्ट नहीं है और उसको ऐसे पूछ लिया? देखिए 95% चांस में तो बैकफायर नहीं हुआ, क्योंकि आप किसी, जैसे मेरी पत्नी मुझे सीधा बोल देती है कि आज आपने, जैसे वो बोलेगी घी, उसको पसंद है कि आलू पराठा में बहुत ज्यादा मैं घी या बटर लगाऊं, उसको लगता है वेट बढ़ गया है, वो थोड़ी देर बाहर गई पीछे मैंने कुक से बनवा लिया, आती पूछे आपने खाया कि नहीं खाया, सीधा बताओ मुझे, तो आप उसकी आंखों में देखिए आप डर के मारे आप बता ही देते कि यार थोड़ा सा लिया था। तो अपराधी को भी आप सीधा बोलो कि तुमने बच्चा कहाँ छुपाया, आप पूछो तुमने किडनैपिंग की कि नहीं की है, इस तरह का सवाल पूछोगे बोलेगा नहीं कौन सी किडनैपिंग से, मुझे तो पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन आप डायरेक्ट सवाल पूछो, मेरा हमेशा ये फॉर्मूला रहा है कि तुमने बच्चा रखा कहाँ पे है, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है नेचुरली कि पुलिस जानती है कि मैंने अपराध किया है, तो ये मेरा फॉर्मूला मेरा हमेशा कारगर रहा, सीधा सीधा बोलना कि बताओ कहाँ पे तुमने किया, अगर मैं पूछूं नहीं तुमने किया है कि नहीं किया है, इवन बच्चे से अभी पूछिए बेटा तुमने ये टॉफी खाई कि नहीं खाई, बोला कौन सी टॉफी क्या है? मतलब कुछ, लेकिन सीधा बताओ कि यार, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कन्फ्रंटेशन से, तो मेरे को इसका बहुत फायदा हुआ। आपको यू नो यू नीड टू यूज ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, कैसे आप किसी अपराधी से कबूल करवा सकते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं
उनसे ट्रीटमेंट सही ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसमें, मैं तो हमेशा उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता था। कभी कन्फ्रंट करा दिया, उसकी किसी गर्लफ्रेंड को बुला लिया, कभी कुछ कर दिया, आदमी टूट तो जाता है, ज्यादा देर लगती नहीं। एक आखिरी वाकया, मैं बहुत सारे छोड़ भी रहा हूँ इस किताब की, मैं आपको पहले भी इस तरह की किताबों में बताता रहा हूँ दर्शकों को, कि कई में से आप लोगों को लगता है यार 300 पन्ने की लगभग किताब है, कैसे पढ़ेंगे। तो जब एनेक्डोटल बुक्स होती हैं तो आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ के रख सकते हो वापस, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि आपको शुरू से आखिरी तक एक ही बार में पढ़नी है, वरना स्टोरी अधूरी रह जाएगी। ललन टॉप पे किस्सा कोई बहुत होती है, इसमें किस्सों की भरमार है। लेकिन एक आखिरी जो मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वो है जो पहला किस्सा है किताब का, जिसमें हालांकि अमित लोढ़ा ने पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की है, पर इन्होंने उतनी ही कोशिश पहचान उजागर करने की भी की है, कि कोई भी केयरफुली पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटिशियंस कौन है जिनकी बात हो रही है। तो कौन थे, मैं कौन थे नहीं पूछूंगा, आई वोंट पुट यू इन अ टाइट स्पॉट, आई लीव इट टू अवर रीडर्स एंड ऑडियंस। मतलब एएसपी साहब पहली ही मुलाकात में सोच के जा रहे हैं कि अच्छा मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पता नहीं क्या समझते हैं क्या होगा, हाउ वाज इट, एंड देन वो लुंगी खोलते हैं और लगभग अभी भी मुझे वो वाकया बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, दिमाग में बिल्कुल कहते ना, बिल्कुल दिमाग की जमीन पे छप गया है। मैं सौरभ, ये जो किताब लिखी है, देखिए मैं किताबें कई आईपीएस ऑफिसर लिखी जो लेजेंडरी हैं, जिनके इंडिया में बहुत नाम है, लेकिन मेरी किताब दूसरी किताबों से इसलिए डिफरेंट है, आई हैव रिटन माय एक्सपीरियंसेस कि मैं कैसे इवॉल्व हुआ, मेरी लाइफ क्या है। आप देखिए जो शीर्षक है, लाइफ इन द यूनिफॉर्म, मैं IIT का स्टूडेंट, सिंपल सा, बिल्कुल पिद्दी सा, डरपोक जैसे बताया, जिंदगी में एक फेलियर, कोई फिल्मी स्टाइल हीरो टाइप लंबा चौड़ा आदमी भी नहीं, कैसे मैंने अपने सपने पूरे किए, मैं IPS में आया, मेरी कैसे पर्सनालिटी डेवलप हुई धीरे धीरे, कैसे मैंने अपनी गलतियों से सीखा, कैसे एक्सपीरियंसेस से मैंने आपको ढाला, नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल एज अ पर्सन। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हुई कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सेकेंड किताब भी इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी। फर्स्ट किताब तो ऑब्वियसली आपको पता है बहुत पसंद आई, उस पर वेब सीरीज भी बन रही है, आपने देखा था लास्ट टाइम पूछा था, ये लॉकडाउन खत्म के पास राइट्स हैं, बिल्कुल है, और वो लॉकडाउन खत्म होते ही फ्लोर पे जा रही है, बस तैयारी पूरी हो चुकी है हर तरीके से, और बहुत ही बढ़िया मेजर वेब सीरीज बनेगी, मैं बहुत ही उसके लिए खुश हूँ कि नीरज पांडे जैसे जबरदस्त डायरेक्टर इसको बना रहे हैं, और पब्लिक को बहुत पसंद आएगी क्योंकि उनको पुलिस वाले की जीवन में क्या क्या होता, थ्रिलिंग एस्पेक्ट अपनी जगह है ही है कि मैं, तो उन्होंने दोनों बुक्स का समावेश किया है। तो मेरी जो सेकंड बुक है लाइफ इन द यूनिफॉर्म, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को पसंद आ रही है, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स को, और सबको लग रहा है कि कैसे एक नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी जो जिंदगी में काफी धक्के खा रहा है, जिसके ग्रेड्स खराब हैं, जिसके दोस्त भी उसमें उम्मीद खो चुके हैं, वो कैसे सब चीजों को पार कर सकता है। तो मुझे लगता है लोग जो उसको पढ़ेंगे उनको देखेंगे, कोई मैंने जबरदस्त केस है, सेंसेशनल केस, मैंने टेक्निकलिटीज में मैं जाता ही नहीं कि FIR कैसी होती है या पुलिस केस, लेकिन मैं जानना बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले के दिमाग में क्या चलता है। हम लोग किसी का फोन आता था कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई हमारा सबॉर्डिनेट गलत काम करता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, सीनियर का फोन आता है डांट पड़ती तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस किताब में कई काइंड ऑफ लाइफ लेसन है जो मैंने लिखे थे तब मैंने नहीं सोचा, लेकिन जो मेरे एडिटर्स, उन्होंने बोला कि आपके हर चैप्टर में एक लेसन मिल रहा है लोगों को कि कैसे आपको सीखना है अपनी गलतियों से, कैसे किसी से बिहेव करना है, किन चीजों को आपको भूल जाना चाहिए, यू नो आगे बढ़ना चाहिए, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए। तो बड़ा मैंने बाद में सोचा कि सही बोल रहे हैं लोग, मेरे को पता नहीं था कि मैंने ऐसा लिख डाली कोई चीज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऑलरेडी मेरा जो फर्स्ट एडिशन है पूरा सोल्ड आउट हो गया। अगर आप इसके रिव्यूज पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया रिव्यूज आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था। तो गॉड इज इन वेरी काइंड टू मी, और मैं आपके माध्यम से सारे रीडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है और सराहा है, कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे, मैं रोल मॉडल तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि अपना आचरण हमेशा स्पॉटलेस रखूँ और अच्छा काम करते रहो, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद होती है, खासकर यंगस्टर्स के जो मुझे मैसेजेस आते हैं तो कई बार लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। अगली किताब कौन सी, कैसे निकालते हैं, पहले से तो ये बताइए कि ये बिजी शेड्यूल के बीच क्या रहता है किताब लिखने का तरीका। मैं बिजी रहता हूँ सौरभ, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मुझे मजा आता है, क्योंकि एक तो मैंने बताया मुझे अपना काम बहुत पसंद है पुलिसिंग, तो आई लव माई वर्क, आई एंजॉय माई वर्क। तो कोई किडनेपिंग होती है, कोई घटना होती है, मैं उसमें टेंशन लेता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उसको चैलेंज की तरह लेता हूँ। ये नहीं कि मेरे बिल्कुल अब हाँपा मेरे फूल गए, BP बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कोई अपराधी वो जितना जल्दी गिरफ्तार हो जाए, कोई घटना हो गई है,
लेकिन आई नो कि मेरे को तनख्वाह इसी बात के लिए मिल रही है, तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ कि हाँ इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अपराधी ने अपना काम कर लिया है, मैं भी आईपीएस के एग्जाम क्लियर करके इस पद पे बैठा हूँ, तो मेरे को अपना काम करना है, मेरा भी दिमाग इक्वली अच्छा है, तो मैं समय निकालता हूँ, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और मैं सारे अपने युवाओं को खासकर अगेन मैं बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है, और ये आर्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे मैंने बताया, जैसा आप जिंदगी में चाहते हैं वैसा आपके साथ होता है। तो अगर आप, जैसे मुझे आज 6:30 बजे खेलने जाना है टेनिस या बैडमिंटन, तो उससे पहले नेचुरली मैं 5:30 तक अपना सारा काम खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं फाइलों का अंबार अपने टेबल पे छोड़ दूंगा कि कल करूंगा इसको करूंगा, या आज सौरभ के साथ इंटरव्यू करना है तो मेरे सारा ऑफिस मेरा बाहर वेट कर रहा है। मेरा सारा काम सिस्टमेटिकली चलता है, एंड मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में करनी है। फिर डेप्यूटेशन भी मुझे आता है, डेलीगेशन भी आता है कि मेरे कौन से पदाधिकारी किस काम के लिए अच्छे हैं, उनको भी काम देता हूँ। तो बाद में कभी कोई आईएएस आईपीएस बनता है, अभी आईएएस आईपीएस बन चुका है, तो उसको ये चीज आनी चाहिए कि सारा काम वो नहीं कर सकता, उसको जो लोगों आपको से। आपके इंस्पेक्टर ने एक दिन बताया था कि साहब आप जरूरी रेड में चलो, बाकी में आप यहीं से निर्देश। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे। मैं जब युवा एसपी था, पहली पहली पोस्टिंग थी, हर जगह रेड करने में जाता था। मुझे लगता था नहीं, मुझे आगे फ्रंट से लीड करना चाहिए, मेरे को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। तो वो मेरा इंस्पेक्टर था, बहुत बढ़िया था, रवि ज्योति, अभी तक मुझे नाम याद है। उसने बोला, सर जनरल्स डोंट फाइट वॉर्स। मुझे उसकी बात बहुत सही लगी, अंग्रेजी में उसने बोला था, सर जनरल्स डोंट फाइट वॉर्स। अब बात सही है, आज हमारा किसी से वॉर होता है तो अब जनरल साहब थोड़ी बॉर्डर पर जाके गोलियां चलाएंगे, उनका काम है उसको दिशा निर्देश देना, ब्रिगेडियर्स को, कमांडर्स को कैसे ऐसे करना है, और फिर सिपाही का काम है जो फील्ड फॉर्मेशन है वो कितने गोले दागेगा। उसकी बात सही थी कि हर जगह मेरा जाना जरूरी नहीं है, और मुझे देखना है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स कैसा काम करें, उन पर मुझे भरोसा रखना है। अगर मैं ही उनका काम करने लग जाऊंगा तो धीरे धीरे वो अपना काम छोड़ देंगे, कहेंगे सर आप ही कर लो हमारा काम। उसी पर अगर आज बच्चे होते हैं, अगर उनकी पढ़ाई, आप, मेरे को लगता है कई पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हर मिनट बाकी बताते हैं कितनी पढ़ाई करो, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, छुट्टी लेके मैं भी साथ में बैठा हुआ हूँ। मेरे बैचमेट्स भी कई ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करो, कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़ाई अच्छा करें, सपोर्ट करो, बट उनके सर पे भी ना बैठो, उनको इंडिपेंडेंस दो, लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन। गलती करेगा हर बच्चा को 96-97% नहीं ला सकता सौरभ, उसकी गलतियां हैं तो है, लेट हिम ग्रो अप। जहां उसको दिक्कत है वो आपसे सवाल पूछेगा, जानेगा। लेकिन कहते ना, बरगद के पेड़ के नीचे छाया में कोई फलता फूलता नहीं। ये मेरे एसएसपी ने मुझे बोला था, जब मैं एसपी पटना सिटी था, मेरे एसएसपी साहब थे, वो आज बिहार में सरकार में मंत्री भी हैं, मुझे बहुत गर्व है उनपे, बहुत शानदार एसपी थे वो, बहुत बढ़िया आईपीएस थे। वो काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे, शुरू मुझे लगता सर का फोन ही नहीं आता है, क्या सर को इंटरेस्ट नहीं है। बाद में देखा उनको सब चीज पता होती थी मेरे बारे में, लेकिन वो बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप ग्रो करो, सीखो अपनी गलतियों से। तो वही काम मैं भी करता हूँ, आज मैं आईजी हूँ, मेरे साथ मेरे जो एसपी काम करते हैं, मुझे सारी चीज पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक जरूरत नहीं होती है उनको बिना कारण के टोक टोक नहीं करता, और वो लोग काफी अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, दे परफॉर्म बेटर, उनको लगता है कि सर का हम पे भरोसा है। आप किसी क्रिकेट टीम में देखे ना, लोग धोनी कितनी तारीफ करते हैं कि धोनी कितना कैप्टन कूल था, तो गलतियां बोलर करते ही थे। मुझे अभी तक याद है 2007 का जो अपना T20 टूर्नामेंट जो हमने जीता था, जोगिंदर सिंह ने जो बॉलिंग की थी तो उसने मिसबा वाला ने छक्का मारा था, हाँ, तो कोई और कैप्टन होता पे छक्का, यस, तो कोई और कैप्टन होता तो चिल्लाते हुए आता, कूल था बिल्कुल वो, ठीक है मैच ही है, और बॉलर को समझ में आ गया मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और देखिए उसी बॉलर ने अपने को मैच जिता दिया। आप कैसे थे, किस्मत है, लेकिन एट द सेम टाइम वो किस्मत गैम्बल लेने की अपनी हिम्मत भी होनी चाहिए, और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई बात नहीं, गलती से सीखेगा अपनी। तो यही चीजें हैं, तो ये मेरा लाइफ लेसन है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने कभी फेलियर नहीं माना किसी चीज को। मैंने आपको बताया मेरा बहुत पॉजिटिव माइंड सेट है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव सौरभ सबके आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में नहीं आते, सबके आते हैं, बड़े बड़े लोगों के आते हैं, सब चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप कैसे किसी चीज पर रिएक्ट करते हो ये बहुत जरूरी है। वेदर यू एन आईजी, यू आर अ स्टूडेंट, और यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन, व्हाटएवर, आपके ऊपर जिंदगी में बहुत सिचुएशंस आती है कि पुलिस में तो आप देखते हैं रोज ही आती है, मैंने अपनी किताब में यही लिखा, हर रोज एक सिचुएशन आएगी, बट मेरा रिएक्शन क्या है उस सिचुएशन को लेकर है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो बहुत चीजें आपकी तभी सॉल्व हो जाती है जब आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं। जी, थैंक यू अमित लोढ़ा इस बातचीत के लिए। किताब जिसका शीर्षक है लाइफ इन द यूनिफॉर्म, एडवेंचर्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार, पेंगुइन पब्लिकेशन से किताब छपी है। इसके कुछ किस्सों की झलक आपको इस बातचीत के जरिए मिली, और आपसे बात करना हमेशा ही मजेदार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी, और जो नाराजगी थी इतने महीनों से जो कमेंट बॉक्स में दिख रही थी, किताब वाला क्यों नहीं आ रहा है, आई एम फाइनली बैक, थैंक यू सो मच। इस पूरी बहुत बहुत बातचीत के बारे धन्यवाद में सौरभ, और
जी पिछली बार भी जब आपसे इंटरव्यू हुआ था तो बिहार डायरीज के बात हुई थी, और मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बिहार डायरीज हिंदी में भी आ चुकी है और काफी उसको सराहा जा रहा है, क्योंकि किताब वाला के कई दर्शक हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। जी और मैंने जी जो ये किताब लिखी है भी बहुत ही सरल भाषा में लिखी, आम बोलचाल की भाषा में लिखा है, तो लोग पढ़ेंगे उनको मजा आएगा। बिल्कुल। किताब वाला में आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। थैंक यू सौरभ।